बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खट्टे मीठे सेब की रेसिपी। ये चार मैंने लिए सेब, छिलका उतार के इसके बीज उतार के बारीक बारीक मैंने काटे हैं। चार सेब हैं, आधा किलो साफ, और ये दो चम्मच तेल के लिए मैंने चावलों के खाने के दो चम्मच तेल के, और इसमें मैं डाल रही हूँ। और ये देखिए ये चार सेब हैं जो मैंने काट के, अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ। पाँच छः मिनट अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। इसके मीठे सेब की रेसिपी बहुत अच्छी लगी, स्वीट है। इसको भूनते हुए अब इसमें आधी कोली से कम छन्नी से ये पानी डालूंगी मैं, ताकि इसे गल जाए, और इसे 6-7 मिनट के लिए मैं ना इसको दाम पे रखूंगी, ताकि इसे जो गल जाए अच्छी तरह से। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 6-7 मिनट हो गए से तो इसमें मैं ये छोटी सी छन्नी कटोरी चीनी की भर के नहीं डाली, ये मैं डालती हूँ छोटी कटोरी चीनी की इसमें। अब इसकी 2-3 मिनट भरूँगी मैं अच्छी तरह से इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मुझे 2-3 मिनट हो गए इसकी बुनाई करते हुए। अब इसमें एक लेमन डालूंगी मैं, बड़ा है तो आधा, छोटा तो एक। अगर लेमन नहीं है तो आप एक चम्मच सिरके का भी डाल सकते हैं इसमें। अब ये 4-5 मिनट मैंने इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये खुशक होने लगी है। अब इसमें थोड़ी सी मैं चुटकी काली मिर्चों भी डालूंगी, और चुटकी नमक की। बस 2 मिनट के लिए मैं इसमें इसकी बुनाई करती हूँ। लेमन इसलिए मैंने डाला है कि खटास भी हो जाए और जो चीनी है वो जमे ना, और इसका टेस्ट भी सही रहे। ये देखिए मैं 6-7 मिनट मैंने इसकी बुनाई की है, और ये बिल्कुल तैयार है सेब की खट्टी मीठी चटनी। अब इसको मैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने खट्टी मीठी सेब की चटनी की रेसिपी बनाई है, आप भी बनाएं और मुझे अपनी दुआओं के साथ याद करें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, खुशोबाद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।